जब इंसान ने इस धरती पर सबसे पहले कदम रखा, ये जगह बहुत खतरों से भरी थी। जो ताकतवर था वही जिंदा रह पाया। इंसानों ने भी जानवरों की तरह खाना जुटाने के लिए टोलियां बनाई। उनके सामने जो भी आया वो उन्हें खत्म करते चले गए। लेकिन वो मिलकर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें एक मुखिया की जरूरत पड़ी। एक मुखिया की तलाश में कई साल बीत गए और आखिरकार उन्हें एक ताकतवर मुखिया मिला। उसने अपने सामने वाले की ताकत देखी, दोस्ती भी देखी, और उसी दोस्ती ने इंसान की जिंदगी बदल डाली। यूरोप 20,000 साल पहले। एक हफ्ते पहले तुम हार गए। तुम जीत गए।
तुम भी हार गए। तुम भी हार गए। तुम जीत गए। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इतना काफी है। पिताजी आप जाकर नहा लीजिए, आपसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। अब से तुम मेरे साथ शिकार करोगे। तुम मुखिया के बेटे हो, तुम्हें जीतना होगा। अपनी शक्ति पहचानो और अपने आप को साबित करो। जानती ही हो साल के इस वक्त हमारा पूरा कबीला शिकार पर जाता है। अगर शिकार नहीं किया तो सब भूखे मरेंगे। जिंदा रहने के लिए हमें यह करना ही होगा और यही सही मौका है। हमारे बेटे को अपने आप को साबित करना होगा। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो वो मेरा बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर लग रहा है वो हम सबको छोड़कर चला ना जाए, और उसकी ताकत ही उसकी शक्ति है, उसका हथियार नहीं।
इसे अपने साथ रख लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ माँ। खेड़ा तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे बाद मुखिया इसी को बनना है, डरो मत, वो वापस आ जाएगा। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? तुम जा सकते हो। जिंदा रहने के लिए संयम जरूरी है, जिंदगी में कभी हार मत मानना बेटा। कैसे हो दोस्त? लगता है सर्दी का मौसम बहुत अच्छा गया है और खाने को भी बहुत कुछ मिला। हाँ देखो मेरे साथ कौन है। ये है मेरा माहिर शिकारी। नजरें ऊपर उठाओ, अपना चेहरा ठीक से दिखाओ। ये मेरा बेटा है। अफसोस है कि मेरा बेटा अब शिकार नहीं कर पाएगा, वो आसमान का तारा बन चुका है।
तुम्हें अपने बेटे पर फख्र हो रहा होगा। अभी तक तो नहीं, लेकिन इससे उम्मीदें काफी हैं। हमारा कबीला हर साल की तरह इस साल भी शिकार के इस खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा। ये वही रास्ता है जहां हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें गंवाई। वो हमारे लिए ये निशान छोड़कर गए हैं। ये हमारे सफर को आसान बना देगा। पंजे का ये निशान गवाह है कि यहां कई बार शिकार हुआ है। कुछ लोगों ने ये परीक्षा पार कर ली और कईयों ने यहीं अपनी जान गंवा दी। इस निशान की मदद से एक मुखिया अपने लोगों को घर पहुंचाता है। इसे तुम मारोगे। इन्हें हम इसलिए मारते हैं ताकि हम सब जिंदा रह सकें। देख क्या रहे हो, मारो इसे। मुझे माफ कर दो, ये मुझसे नहीं होगा। याद रखो, ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। तुम इतने बुजदिल निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। वो फिर से आ सकता है। जा चुका है, लेकिन हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। उस
उसकी आत्मा हमारे साथ है। अब वही हमें रास्ता दिखाएगी, हमारे पूर्वजों की तरह। दिन के समय ये निशान तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इस निशान को अच्छी तरह पहचान लो। ये निशान तुम्हें अंधेरे में दिखाई देगा। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों की आत्मा की रोशनी ही हमें अपने घर का रास्ता दिखाएगी। घर? तुमने देखा उसे? वही है अल्फा, उन सब का मुखिया। एक अल्फा ही अपने झुंड का ख्याल रखता है बेटा। वो अपने झुंड का मुखिया होता है। उसकी जान हमेशा खतरे में रहती है। अल्फा के झुंड में रहने वाले सभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर उन्हें उसकी कमजोरी का पता चल गया तो अल्फा की ताकत और हिम्मत ही उसकी असली पहचान होती है बेटा। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई पैदाशी अल्फा नहीं होता। अल्फा की ताकत उसके अंदर होती है।
हमला करो। मेरे बेटे को बचाने दो। छोड़ो छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। मेरे सरदार, वहां पहुंच पाना मुश्किल है। वो मर चुका है और हम सब तुम्हें खोना नहीं चाहते। अपने कबीले के लोगों को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्हें यहां से उठाओ और ले चलो। मैं अपने गांव वापस चलना होगा। उम्मीद करता हूं कि पूर्वजों की आत्मा तुम्हें और तुम्हारे लोगों को सुरक्षित रखेगी। उसे समझाओ कि मैंने भी अपना बेटा खोया है और हमारे बच्चों की आत्मा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी। आप उसे भूल जाइए, वो नहीं बचेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अपने आप को संभालो।
पिताजी, 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 thank you.
हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। मैं दोस्त हूँ। ठीक है, मत करो दोस्ती। बस मुझे काटना मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा।
मैं तुम्हें बचा सकता हूं। जख्म को साफ करना होगा। देखा तुमने, ये इतना मुश्किल भी नहीं था। मुझे शांत रहकर ये काम करना होगा। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है और ये मेरी मर्जी है। जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम्हें मिलेगा। ये समझने के लिए शुक्रिया।
तुम्हें अपने झुंड की याद आ रही होगी, क्यों है ना? पता है मैंने सपना देखा कि मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। यहां पर ठंड बढ़ती जा रही है, जाने के रास्ते में भी बहुत ही बर्फ होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं पिताजी की मदद के बिना घर पहुंच पाऊंगा। मैं उनकी तरह होशियार नहीं हूं। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अपने माता पिता से मिलना है। ये चीज मेरी है और मुझे ये वापस चाहिए। इससे पहले कि पहली बर्फबारी हो, मुझे अपने घर पहुंचना होगा। तुम भी अपने घर चली जाओ। जाओ ना, मुझे इस तरह से घूरना बंद करो और अपने घर जाओ। जाओ, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अपने घर जाओ, मैंने कहा जाओ। जाओ यहां से।
मैं उसे पकड़ सकता था। तुम बीच में क्यों आई? मैं बस फिसल गया था और वो निकल गया। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। हे, चलो अब आओ, यहां इधर आओ। क्या चाहिए तुम्हें? हे, रुको। इस तरफ लेके आओ उसे। शांत हो जाओ। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें खाने को दूंगा। तुमसे कितनी बदबू आ रही है। मुझे मजबूर मत करो, जल्दी आ जाओ। आओ, बहुत मजा आ रहा है। कहाँ भाग रही हो? मजा आ रहा है ना?
वाह। मैं तुम्हें अल्फा नाम से बुलाऊंगा। केड़ा अल्फा। तुम अपने परिवार के साथ चली जाओ। मुझे माफ कर दो। Thank you.
मेरी मदद करो। सुनो दोस्त, दोस्त कुछ नहीं होगा दोस्त। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया मेरी दोस्त। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब से तुम भी हम में से एक हो।
हमें घर पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वज हमें सही रास्ता दिखाएंगे। उठने की कोशिश करो अल्फा, मैं जानता हूं कि तुम कर सकती हो। हम दोनों बहुत दूर आ चुके हैं, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। चलो उठ जाओ, उठ जाओ अल्फा। मुझे बस थोड़ा आराम करना है। मुझे डर लग रहा है वो हम सबको छोड़कर चला ना जाए।
और उसकी ताकत ही उसकी शक्ति है, उसका हथियार नहीं। नहीं, तुम जितना सोच रही हो वो उतना कमजोर नहीं है। वो अपनी समझ से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। कैसे हो सकता है? पिताजी, केड़ा, देखो मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तू वापस आ गया केड़ा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं खुद को हमेशा साबित करना चाहता था। हाँ बेटा, तू साबित कर चुका है, तू हमारे पास वापस आ चुका है बेटा। अल्फा को बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। केड़ा तुझे यहाँ पर लेकर आया है, अब तू हम में से एक है। तुम बहुत ही अनोखे हो, तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। Thank you.
अब सब ठीक हो चुका है। हमने इस सफर में कई चीजें सीखी। इस सफर के दौरान हमने कई खतरनाक चीजों का भी सामना किया और ये भी सीखा कि आखिर हम हैं कौन, हमें कितनी शक्ति है, हमें किसे पसंद करना चाहिए और किसे नहीं।